वेलकम टू चैनल गाइस सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ रिवीजन क्लास ऑफ द यूनिट फाइव रिसर्च एंड एथोलॉजी यहाँ पर हम लोग यूनिट फाइव को डिस्कस कर रहे हैं बट दिस दिस टॉपिक दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम इंक्लूडिंग द जी नेट एग्जाम पेपर वन पेपर टू एम एम फिल पी एच डी एडमिशन एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर द पी एच डी दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट और पी एच डी एस फ्रेंड्स जो भी पी एच डी करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको इसके बारे में पूरा डिटेल में आना चाहिए सो वी विल डिस्कस दिस दिस टॉपिक इन डिटेल स्पेशली इन द रिविजन सो वी हैवर टू लेक्चर ओके सो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसर्च के जो बेसिक्स थे उसके बारे में कितने टाइप की रिसर्च होती है वॉट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च वट इज द नेसेसिटी ऑफ रिसर्च वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डिजाइन इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था सो so, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे नेक्स्ट ओके रिसर्च रिपोर्ट के बारे में क्या क्या, क्या कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है सो ऑल दिस पॉइंट ऑल दिस चैप्टर वी विल कवर सो लेट स्टार्ट बिफोर बिगिन यहाँ पर एक थिंकर आप यहाँ मैंसन है अलॉन्ग विद थ्योरी और उनके द्वारा जो, जो स्टेटमेंट बोला गया तो वो यहाँ पर मेंशन है काइंडली इसको आप पढ़िए और बताइए कि किस थिंकर के द्वारा इसको बोला गया था या उनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी एजुकेशन डज नॉट ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड एजुकेशन चेंज पीपल एंड पीपल चेंज वर्ल्ड यहाँ पर बोला गया है कि जो शिक्षा है शिक्षा जो है जो कि पूरे दुनिया को बदल नहीं सकती है बट यहाँ पर बात की जा रही है एजुकेशन चेंज द पीपल शिक्षा के द्वारा तो मनुष्यों में बदलाव लाया जा सकता है उनको बदला जा सकता है और जो पीपल होंगे जो पढ़े लिखे इंसान होंगे शिक्षित लोग होंगे वो जो है पूरी दुनिया को बदल सकते हैं पीपल चेंज द वर्ल्ड ओके सो ये किसके द्वारा बोला गया था करंटली आप कमेंट कर बॉक्स में बताइए और उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम भी आप मैंशन कर सकते हैं ओके सो एंड द बुक टाइटल आल्सो गिवन हियर सो आपको ये बताना है कि ये जो बुक है किस ऑथर के द्वारा ये जो बुक लिखी गई है प्रैक्टिस ऑफ द सोशल रिसर्च सोशल वर्क परस्पेक्टिव सो दिस बुक रिटर्न बाय दी विच ऑथर ऑथर का आपको नाम बताना है सो so, ये आपका है आप काइंडली बताइए और इसके बारे में आपको बता देता हूं ओके okay? सो so, आपने नाम सुना होगा पोलो ओके okay, इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस अमॉन्ग द मास थ्रू द एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में एक अवेयरनेस uh, की भावना डेवलप करना ताकि वो अपने आप को बदल पाए या किसी प्रकार का सोशल एक्शन ले पाए ओके okay. तो ये कंसेप्ट डेवलप किया गया था फॉलो फेरी के द्वारा तो उन्होंने बताया था और बोला था कि जो शिक्षा है वो पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकती बट शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में बदलाव ला सकते हैं और वही लोग जो बदले हुए या जो शिक्षित लोग हैं वो इस दुनिया को बदलेंगे या बदल सकते हैं सो दिस कंसेप्ट ऑल अबाउट द अवेयरनेस अमोंग द मास्ट थ्रू द एजुकेशन नाउट लेट स्टार्ट सो आज डिस्कस करेंगे मैथड्स एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन सो पहला जो टॉपिक होगा इसको डिस्कस कर लेते हैं सो so, बहुत सारे मैथड्स हैं इसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है एज ए रिसर्चर आपने या रिसर्च वर्क किया होगा एम ए मास्टर में एम एस डब्ल्यू में सो फील्ड वर्क में आपने भी डेटा कलेक्ट किया होगा सो वेर मैथड्स दैट बी यूज ऑलरेडी इन डेटा कलेक्शन इन द रिसर्च वर्क सो लाइक द इंटरव्यूज क्वेश्चन सर्वेस और डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स से भी आप डेटा उसको ले लेते ले हैं उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन या किसी प्रकार से लोगों से मिल करके ये सभी के सभी क्या है तरीके हैं मैथर्ड साइंस के माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए सो so, जो प्राइमरी है उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी जैसे इंटरव्यू ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन आयर्स इन सबको अंडरस्टैंड करते हैं इंटरव्यू का मतलब क्या होता है इंटरव्यू का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर आ, एक रेस्पॉन्डेंट है और एक इंटरव्यूअर करता था जो रिसर्चर है उसके द्वारा इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो इसका जवाब देंगे ये बोल सकते हैं एक पर्सनली मीट होता है लोगों के बीच में इंफॉर्मेंट inform, और जो रिसर्चर है उसके बीच में ओके सो दिस इज कॉल्ड यू कैन से दिस इज द मैथड टू कलेक्टिंग द डेटा सो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं सर्ट ऑफ क्वेश्चन उनके पास है और वो क्वेश्चन पूछते हैं और ये इसका जवाब देते हैं इसे बोलते हैं इंटरव्यू दिस इज द मेथड मैथड इंटरव्यू पर्सनली मीट द इन्फॉर्मेंट और आस्क नेसेसरी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दैट हैव द क्वेरी जिसके जिसके रिगार्डिंग उनको पूछना है उसके रिगार्डिंग पूछेंगे उसको इंटरव्यू बोला जाता है इस मेथड के माध्यम से आज जो अशिक्षित लोग होते हैं अशिक्षित लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे भी जो है किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर जो जो रिसर्चर है जो इंटरव्यूअर है वो डायरेक्टली जाके मिलेगा सो so, अपनी स्किल्स अपने नॉलेज के अनुसार वो असिस्टिव व्यक्ति से भी जो है डेटा कलेक्ट कर सकता है सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट और बेनिफिट्स ऑफ दिस इंटरव्यू सेकेंड दैट इज़ ऑब्जर्वेशन सो वो इज ऑब्जर्वेशन ये भी एक मैथड है इसके माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है यहाँ पर एक रिसर्चर और जो इंटरव्यूअर है वो उसको काफ़ी नॉलेज होता है ही कि हैव द नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल्स उनके पास स्किल्स होती हैं कि उनको इस मेथड के माध्यम से भी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड में जो रिसर्चर है वो डायरेक्ट इंट्रैक्ट नहीं करता है लोगों से ना ही उनके इंटरव्यू करता है वन टू वन इंट्रैक्शन नहीं होता है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं किसी प्रकार की ग्राम सभा लगी हुई है किसी विलेज में और यहाँ पर रिसर्चर जाएगा इंटरव्यू जाएगा और यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा करेगा लोगों को और वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेगा वो किसी प्रकार से किसी लोग से वो इंट्रेक्ट नहीं करेगा डायरेक्ट वन टू वन कांटेक्ट नहीं करेगा डेटा कलेक्टेड विदाउट कॉन्टैक्टिंग विद द पीपल सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन दूर से ही उसको ऑब्जर्व करना दर इसके माध्यम से भी रिसर्चर जो है डेटा कलेक्ट करता है ओके क्वेश्चन आयर सो क्वेश्चन आयर क्या इसको अंडस्टैंड करते हैं क्वेश्चन आयर का मतलब होता है एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास होते हैं लिस्ट होती है और मैरियस वेरियस पीपल के द्वारा बहुत सारे रेस्पोंडेंट होते हैं उनके द्वारा उसका आंसर दिया जाता है ओके okay. और इस प्रकार का जो परफॉर्मा होता है जो सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये रिसर्चर के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा ही भेजे जाते हैं लोगों को बहुत सारे लोगों को सो इसके बेनिफिट है कि इससे आप बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ओके सैम्पल्स आप बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इसको आप मेल के थ्रू नाक के थ्रू ओके पोस्ट के थ्रू कैसे भी भेज सकते हैं सेटअप क्वेश्चन को ताकि वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो बस आ, इस क्वेश्चन आर में जो जिसको आप भेज रहे हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए उसको क्वेश्चन पढ़ना आनी चाहिए और उसका जवाब देना आना चाहिए तो इसमें जो जो रेस्पॉन्डेंट होते हैं देट शुड बी लिटरेट पढ़े लिखे होना चाहिए ओके इसके माध्यम से जो भी डेटा है वो कलेक्ट किया जा सकता है आसानी से सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैथड्स नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल शेड्यूल क्या है तो ये भी एक बोल सकते हैं द आल्सो मैथड टू कलेक्ट द डेटा इन द सेम वे जैसे कि रिसर्च क्वेश्चन आर्स में एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार से इसमें भी सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन का परफॉर्मा होता है दैट कंसिस्ट सम क्वेश्चन जो कि पूछने हैं रिसर्चर को बट द इसमें डिफरेंस ये होता है शेड्यूल और इंटरव्यू में यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है और जो रिसर्चर है या बोल सकते हैं वो खुद ये जो है क्वेश्चन पूछेगा और खुद इसको भरेगा ये इस क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसको खुद वो फिल करेगा ना कि रेस्पोंडेंट और क्वेश्चन आर में रेस्पोंडेंट खुद इसको फिल करता है रेस्पोंडेंट मतलब होता है जो कि आंसर दे रहा है वो इसको खुद फिल करेगा बट शेड्यूल में ये रिसर्चर के द्वारा ही इसको फिल किया जाता है इस इस बात को आपको याद रखना है और शेड्यूल के माध्यम से इलिटरेट पीपल से भी आप डेटा ले सकते हैं बिकॉज रिसर्च खुद उसको फिल करेगा तो पूछ पूछ के अपनी भाषा के अनुसार वो इसको फिल कर सकता है ओके सो दिस इज़ द डिफरेंस इन दोनों के बीच में है और इसके अलावा अगर हम देखें इसके डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन जो है दैट इज द रेस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड बट इन दिस शेड्यूल दैट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट दैट द डेटा कैन बी आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द इलिटरेट पीपल ओके और यहाँ पर बाइड एरिया में आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ओके okay? बहुत ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इसमें आपको सेटअप आप क्वेश्चन जो होंगे आप उसकी कॉपी भेज सकते हैं सभी को बट शेड्यूल में आपको खुद भरना पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते ओके एंड बट इसमें जो इंफॉमेसन होगी दैट कैन बी आल्सो इनकम्प्लीट और रॉन्ग भी हो सकती है बट शेड्यूल में जो इफॉर्मेशन होगी दैट विल बी मोर एक्यूरेट और करेक्ट बिकॉज इसमें आप खुद प्रेजेंट रहेंगे उस डेटा को फिल करने के लिए ओके सो दीज आर द डिफ्रेंस बिटवीन द क्वेश्चन आर एन द शेड्यूल आप काइंडली मुझे ये बताइए यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही होगी सेट ऑफ क्वेश्चन परफॉर्मा बना हुआ है ओके okay? सो so, आप बताइए फॉर एग्जांपल इसको अगर ए मान लें इसको बी मान लें तो इसमें सेट ऑफ क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइप के एम टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें आपको टिक लगाना है ओके okay? और इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसको आप एक्सप्लेन करना है सो so आप बताइए किस प्रकार के क्वेश्चन है ये कौन सा इसमें क्लोज एंडेड है और कौन सा ओपन एंडेड है काइंडली मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें आप मेंशन कर देना ये जो ये है फर्स्ट ये बी है ऐसे बी ओपन एंडेड ओपनोजेंडे बी ऐसे ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि बुक का नाम क्या है आप कैंडली वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ओके नाउ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट अब रिसर्च रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया ओके okay? अब डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको रिपोर्ट को बनाएंगे उसको आप प्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे उसका एक तरीका होता है ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डेटा कहीं से उठाया आपके पास जो रो डेटा है उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चले गए ऐसा नहीं होता है उसको एक प्रॉपर तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है सो दिस रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओके सो इट डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स द फर्स्ट वन बिगनिंग सेकेंड पार्ट इज द मैन पार्ट बोल सकते हैं इसको मैन बॉडी थर्ड पार्ट दैट इज़ एंड पार्ट क्या आपको ऐसे बोल सकते हैं कि शुरुआत के कुछ पेज होंगे उसमें आप बिगनिंग होगा मतलब इसके बारे में बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या रहता है और जो बीच के मिडिल के जो पोर्शन होगा उसको मैन बॉडी बोलेंगे ओके और सेट ऑफ कुछ, कुछ इसके नीचे भी कुछ पे, पेज होंगे उनको एंड पोर्शन बोलेंगे जिसमें भी कुछ कंटेंट रहता है उसको एक एक करके देखेंगे उसको पहले देखते हैं बिगनिंग में क्या क्या रहता है बिगनिंग में सबसे पहले कवर पेज ओके कवर पेज टाइटल टाइटल जो पेज होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टॉपिक है उसके बारे में ओके okay, उसका टॉपिक का नाम यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट प्रीफेस एंड एक्नोलेजमेंट प्रीफेस का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना होता है टॉपिक के बारे में प्रीफिस विच इंक्लूड यू कैन से रीजन आपने क्यों उसको चूज़ किया है टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किया है और आपको उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी और इसको स्कोप क्या है जो मेथोलॉजी क्या है उसको आपको थोड़ा सा बताना है और ओपिनियन क्या है आपके उस टॉपिक के बारे में उसको बोलते हैं प्रीफेस इट इसल अबाउट वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड्स वर्ड्स उसको आपको मैंसन करना होता है पाँच छः लाइन में ओके देन एक्नोलिजमेंट ये क्या है एक्नोलिजमेंट इसका मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट है सो यू हैव द परमिशन फ्रॉम द एच ओ डी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट सो आपको उसको एक्नोलेज करना होगा या फिर आप किसी विलेज में गए हैं स्टडी करने तो आपको वहाँ से परमिशन ली होगी आपने हेड ऑफ़ द दिलेज से जो सरपंच है या फिर जो प्रधान है बी डी ओ हैं जो भी है सो so आपको उस उनको भी एक्नोलेज करना होगा या फिर किसी एन जी ओ में गए हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लीजिए तो उन लोगों को एक्नोलेज करना होता है तो उस पेज में आपको एक्नोलिजमेंट मैंसन करना होगा ओके okay? नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ टेब, टेबल उफ, टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, दोनों को ही लिखना होता है टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपने टेबल जो भी आपके जितने चैप्टर हैं जैसे कि मैन पोर्सन में या बिगनिंग में एंड में उन सभी चैप्टर्स को आपको मेंशन करना होगा वन टू थ्री फोर जितने भी और उनको पेज नंबर के साथ कि ये पेज नंबर फर्स्ट पे है ये टेंथ पे है ये आपका फिफ्टी पे है जितने भी इस प्रकार से उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट के बारे में देना होगा फोर्थ आएगा आपका लिस्ट ऑफ टेबल टेबल एक क्या है टेबल जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर फाइव में कोई एक टेबल मेंशन की है लाइक यानी कंपैरिजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल अबाउट द लिटरेसी रेट इस प्रकार का कोई भी हो सकता है सो so, आपको उसको मैंसन करना होगा कि दिस टेबल ऑल अबाउट द लिटरेसी रेट कंपेरिजन एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर पेज नंबर आपको हम मैंसन करना होगा तो यह लिस्ट ऑफ टेबल उसके बाद आता है ग्रोसरी ओके ग्रोसरी क्या है ग्रोसरी सम कांड काइंड ऑफ द यू कैन से एक छोटी सी डिक्शनरी होती है जो कि कुछ टर्म जो आप टेक्निकल टेक्निकल टर्म यूज करते हैं या किसी प्रकार की कोई भी टर्म यूज करते हैं जो कि दैट इज़ नॉट मच फैमिलियर और किसी प्रकार का फ्रेज यूज करते हैं तो उसको आपको मैंसन करना होता है ग्रोसरी इसको आपको एंड पार्ट में भी जोड़ सकते हैं इसको या फर्स्ट शुरुआत में बिगनिंग में जोड़ सकते हैं ग्रोसरी को ओके okay, ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन में पहला जो पोर्शन था बिगनिंग का पोर्शन ये सभी के सभी इसमें ओके चैप्टर बोल सकते हैं इनको मैंसन करना होता है टॉपिक ओके नेक्स्ट देख लेते हैं इसको मैं आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बता देता हूँ मेरे पास एक रिपोर्ट है ओके okay, रिसर्च रिपोर्ट जो मैंने बनाया था कॉलेज टाइम पे उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा उसका व्यू दे देता हूँ एक ओवरऑल ओके लाइक दिस ये आपका पहला आ जाएगा कवर पेज टाइटल पेज हेड ऑफ़ द ब्लेज होते हैं जो जो उनका नाम मैंसन करना बी डी ग्राम पंचायत मेंबर उन सभी के बारे में मैंसन करना होता है उसे सब बोलते हैं दैन प्रीफियस मीन्स जो, जो, जो मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा अपने टॉपिक के बारे में उसको आपने क्यों चूज़ किया है उन सब के बारे में थोड़ा आपका ओपिनियन उन सब सबके थोड़ा सा लिटिल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा उसके ओपिनियन थोड़े से देना है मैथोलॉजी कौन सी ये सभी हिस्ट्री स्कोप क्या है वो सबको ओके की वर्ड्स मैं नेक्स्ट टेबल ऑफ कॉन्टेंट जैसे मैंने बोला तो पेज नंबर के साथ आपको सभी के सभी चैप्टर टॉपिक मैंसन करने होते हैं जैसे यहाँ है इसी प्रकार से सभी के सभी चैप्टर मेंशन करने होते हैं ओके एंड लास्ट में अपेंडिसिस ये आपका लास्ट में आएगा जैसे मैंने बताया ना कि बिगनिंग पार्ट मैन बॉडी और एंड पार्ट एंड पार्ट में आपके अपेंडिसिस जो आएंगे इसको मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या होता है जैसे बिवलियोग्राफी फोटोग्राफ्स शेड्यूल लॉजिकल कुछ लोकल टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ की जाती यूज है जैसे मैंने स्टडी की है आदिवासी समुदाय पर तो वहाँ की जो लोकल टर्मिनोलॉजी है वो सब यूज की जाती हैं तो उनको मैंने मैंसन किया है जनरल लॉजिकल टेबल लाइफ हिस्ट्री केस स्टडी सबको अपेंडिसिस में अपेंडिक्स में mention करना होता है एन दास्ट पोर्सन सो दिस अबाउट दिस एंड नेक्स्ट सेकेंड पार्ट दैट इज पार्ट दैट इज द दैन बॉडी ओके मैन बॉडी में क्या क्या लिखना है उसको देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया जैसे प्रिफेज लिखते हैं ना डेढ़ सौ से लेकर ढाई सौ बाइट में इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं दो तीन पेज का सो अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना और जो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हैं आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपका खुद का एक इंट्रोडक्शन होता है उसी प्रकार से आपके टॉपिक का भी एक इंट्रोडक्शन होगा जब आप रिपोर्ट रिसर्च ये जो है रिपोर्ट बनाएंगे तो इसी प्रकार से ओके नेक्स्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसका मतलब क्या होता है ये इसको शॉर्ट में आर भी बोल देते हैं इसका मतलब होता है कि यह प्रीवियस स्टडी ओके किसी प्रकार की जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी किया है माइग्रेशन पर ओके किसी प्रकार का या फिर मेल न्यूट्रिशन पर ओके तो उसके बारे में किसी के द्वारा कोई स्टडी की गई है किसी के द्वारा कोई रिसर्च वर्क किया गया है आर्टिकल आपने पढ़ा ओके किसी किसी की थीसिस पढ़ी या जो आपके पास कंटेंट है किस कहीं से बुक से पढ़ा उस टॉपिक के रिलेटेड ओके उस टॉपिक के बारे में या उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी है तो पूरा का पूरा वो कहलाएगा रिव्यू ऑफ़ लिटरेचर मतलब लिटरेचर का आपने रिव्यू किया है अपने टॉपिक के बेनिफिट के लिए या आपको गैप निकालना है कि पहले क्या स्टडी हो चुका है और क्या स्टडी करने के लिए बचा हुआ है तो इसलिए वो गैप निकालने के लिए आपको पहले के जो प्रीवियस वर्क पढ़ने पड़ते हैं अगर ताकि आप गैप फाइंड आउट कर पाएँ क्योंकि आप स्टडी किस पे करेंगे अगर आपको यही पता नहीं है कि गैप बेसिकली क्या होता है कि कोई भी टॉपिक उठाएंगे आप उस पर ऑलरेडी स्टडी हुई होती है पहले से सो so आपको पता नहीं होता है कि आप क्या स्टडी करेंगे तो आप पहले रिव्यूब लिटरेचर करते हैं ताकि आप गैप निकाल पाएँ कि इस इस टॉपिक पर स्टडी हुई नहीं है तो इस पैरामीटर पर हमको स्टडी कर लेंगे ये वेरिएबल्स हम ले सकते हैं तो उसको बोलते हैं रिव्यूब लिटरेचर आई होप समझ सम हो गया नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन ओके ये क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था इसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा रिसर्च मैथोलॉजी को ओके okay? बेरेबल्स को जो भी सैम्पल साइज है ओके okay? ये सभी के सभी या फिर टूल्स टेक्निक्स जो भी आप यूज करने वाले हैं ओके okay? इस स्टडी के लिए तो उन सबको आपको रिसर्च डिजाइन में मैंसन करना होगा देन उसके पास जब आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो और भी इसमें स्टेप्स होते हैं सो तो उसके बाद आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे डेटा का एनालिसिस करेंगे आपके पास रॉ डेटा होगा आपने जो डेटा कलेक्ट किया होगा उसको एनालाइज करना एडिट करना उसके इंटरप्रेट करना उसको देन इसके बाद सेकेंड लास्ट आता है आपका जो भी आपकी फाइंडिंग है फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा एनालिस किया और फाइंडिंग निकाली कि फॉर एग्जाम्पल माइल न्यूट्रिशन की क्या क्या समस्याएं हैं इस पर्टिकुलर एरिया में बच्चों के लिए तो वो जो आपने फाइंडिंग्स निकाली वो उनको आपको मैंसन करना होगा फाइंडिंग्स उसके जो कंक्लूजन है उसको मैंसन करना होता है लास्ट में समरी देनी होती है पूरा टॉपिक के बारे में ओके तो ये से बोलते हैं बेसिकली ये क्या है सेकेंड या मैन बॉडी है मैन बॉडी में ये आपके चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके नेक्स्ट द थर्ड वन दैट इज द लास्ट और ई के एंड पोर्सन ओके सो इसमें एंड पोर्सन में आप बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी फर्स्ट uh, में और सेकेंड पोर्सन में मेंशन नहीं किया गया उसको आप थर्ड में कर सकते हैं जैसे कि वीविलियोग्राफी ओके रेफरेंसेस जो है या फोटोग्राफ्स है अपेंडिक्स ये सभी चीज़ें जैसे कि शेड्यूल या फिर क्वेश्चन आर जो आपने यूज़ किया है क्वेश्चन आयर तो उसकी एक कॉपी इसको आप इसमें अटैच कर सकते हैं क्योंकि पता होना चाहिए ना कि आपने जो क्वेश्चन आर यूज़ किया है या फिर शेड्यूल यूज़ किया है तो आप कैसे उसको आपने किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं उसको आपको इसमें यहाँ पर कॉपी में करनी होती है और क्वेश्चन आर को आपको शाइन भी कराना होता है कि जिससे आपने क्वेश्चन आर फिल कराया है उसके शाइन होने चाहिए ऐसा नहीं कि आपने खाली क्वेश्चन आर चिपका दिया इसमें यू हैव टू साइन दल्सो इन द्वेश्चन आर और दी ओके ताकि पता चले कि आपका ये ऑथेंटिक है इस पर आपने वर्क किया हुआ है सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी और इसी प्रकार से आपका जो रिसर्च रिपोर्ट है इस प्रकार से बन जाता है प्रेजेंट किया जाता है तीनों आपको मैंने पोर्शन बता दिए फर्स्ट पार्ट सेकंड मैन बॉडी एंड थर्ड दैट इज एंड पार्ट सो इस प्रकार से आपका रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रेफरेंस स्टाइल के बारे में एक कौन कौन से रेफरेंस स्टाइल है उसको देख लेके ओके रेफरेंस स्टाइल सो इस क्या इसको समझ लेते हैं रेफरेंस स्टाइल बेसिकली क्या है द स्टाइल दैट इज यूज और यू कैन से हाउ टू डिस्क्राइब कैसे आपको कैसे डिस्क्राइब करना है दी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन उसको कैसे आपको डिस्क्राइब करना है इंफॉर्मेशन किसके बारे में ऑथर के बारे में पब्लिकेशंस के बारे में उस पब्लिकेशन ईयर के बारे में टाइटल क्या है उसके बारे में पेज नंबर के बारे में तो इन सब के बारे में एक जो पूरी है इसको आपको कैसे डिस्क्राइब करना है ओके okay. सो so, ये रेफरेंस स्टाइल बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स सोर्स मतलब जैसे मैंने आपता है ऑथर है पब्लिकेशन है उसके उसके बारे में दैट यूज वो सोर्स जो आपने यूज किया है अपने टेक्स्ट में आपने कोई रिसर्च वर्क किया है उसमें कोई टेक्स्ट आपने यूज किया है कहीं से तो उसको आपको रेफरेंस देना होता है जैसे कि ये उनके ऑथर के बारे में पब्लिकेशन से या सभी के बारे में तो उसको कैसे आपको प्रेजेंट करेंगे कैसे आप लिखेंगे तो वो तरीका के बारे में बात कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड रूल जो होता है उसके जैसे कि उसके माध्यम से आप प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं रेफरेंस स्टाइल सो बहुत सारे रेफरेंस स्टाइल हैं जैसे कि आप बात करेंगे तो डिफरेंट सेक्टर में फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉरन लैंग्वेज कम्युनिकेशन रिलीजनस स्टडी के लिए आप एम यूज़ करते हैं फॉर साइकोलॉजी एजुकेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स नर्सिंग लिंग्विस्टिक स्टडी के लिए आप ये भी यूज़ करते हैं और हिस्ट्री वर्क के लिए आर्ट हिस्ट्री के लिए फाइन आर्ट्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी और फिलोसफी के लिए आप शिकागो स्टाइल यूज़ करते हैं एंड ए आई ई जो कि इंजीनियरिंग वर्क के लिए की जाती है कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एन सी एस सी दैट इज़ फॉर दि बायोलॉजी फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री सबके लिए सी ए सी एस सी बट अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द एम एल ए स्टाइल दैट इज यूज फॉर द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ए पी ए स्टाइल दैट इज इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन एंड शिकागो दैट इज फॉर द इसके इसके वजह से मैंने आपको बताया हिस्ट्री के बारे में आर्ट हिस्ट्री के बारे में एंथ्रोपोलॉजी इन्थ्रो, इन्थ्रो, के बारे में तो इसके इसके जो स्टाइल इस उनको एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आप यूजली समझ पाए इन सबके बारे में सो फर्स्ट दैट इज द ए पी ए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है सो कैंडलीस का फुल फॉर्म याद रखना अच्छे से सो so, जो ए पी ए फॉर्मेट जो है ये कॉमनली यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल और यू कैन से सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे इसका फॉर्मेट का एक तरीका होता है बोल सकते हैं कैसे उसको बनाते हैं अगर हम बात करें एक्सेस फॉन्ट की तो फंड शुड बी एट ट्व फॉर दी टाइम्स न्यू रोमन जो जनरली यूज़ किया जाता है तो उसमें फंट आपका बारह होना चाहिए एंड फॉर दी एरियल फॉन्ट इज दुक एवन एंड जियोजिया जियरजिया के लिए भी एलेवन सो so ये इसकी फॉन्ट साइज़ है ये होना चाहिए इस ए पी ए में ओके okay? और यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्मेटर किस प्रकार का होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ऑथर का नाम जो लास्ट नेम पहले आएगा उसके बाद इनिशियल जैसे कि सुलिबन एंड इसके के पी एफ दैन उसके बाद पब्लिक ऑफ ईयर ऑफ पब्लिक पब्लिकेशन किस ईयर में उसको पब्लिश किया गया को सो उसको अंडर ब्रैकेट टू थाउजेंड फाइव नेक्स्ट उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल्स जो भी आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है द जेनेटिक्स ऑफ द शिजु उसको मेंशन किया गया है उसके बाद फिर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन वॉल्यूम उसको मेंशन किया गया है ओके उसके बाद पेज नंबर ये तो पेज नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है तो इस प्रकार से ये पी फॉर्मेट जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको जरूर ध्यान रखना ये जो ईयर है ये चेंज हो जाएगी आपकी नेक्स्ट जो फॉर्मेट है उसको मैं बताऊँगा तो कैसे करना है आपको बताएंगे नेक्स्ट है एम मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मेट देख सकते हैं जैसे कि ऑथर का लास्ट नेम फर्स्ट नेम यहाँ पर देख सकते हैं एफ, अब जो यहाँ पर जो ईयर था उसको पब्लिकेशन ईयर उसको यहाँ पर सॉरी लास्ट में ले जाया गया है सो so इसको आपको याद करना है कि जो एम है और उसमें है, क्या डिफरेंस है नेक्स्ट टाइटल ऑफ द आर्टिकल्स जेनेटिक्स ऑफ दिजोपेनिया नेक्स्ट द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन वॉल्यूम ओके नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आपको ईयर मेंशन करना है और पेज नंबर तो ये मेन डिफरेंस होता है एपीए और एमएलए में आपकी जो पब्लिकेशन टाइट पब्लिकेशन ईयर है वो बदल जाती है ओके okay. नेक्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं रेफरेंसिंग इन द एपीए शिकागो एंड एमएलए फॉर दी बुक एग्जाम्पल यहाँ पर तीनों के दिए गए हैं ए के शिकागो में मैनुअल ऑफ द स्टाइल एंड एम सो ना यू कैन सी ईयर डार्विन सी अंडर ब्रैकेट टू थाउजेंड सिक्स ईयर ऑफ पब्लिकेशन और यहाँ पर टाइटल है ऑन ओन ओरिजिन ऑफ द दिस बाई द मीन्स ऑफ नेचुरल सेक्शन यहाँ पर एंड उसके बाद डावर पब्लिकेशन दिया गया है इसी प्रकार से शिकागो है इसमें आपको और एम एल ए है इसमें जो भी डिफरेंस है आप देख सकते हैं इसकी जो ईयर है यहाँ पर मैंशन की गई लास्ट में नेक्स्ट सोशल मीडिया साइटेशन सो दिस इज ऑल्सो दिस नॉट एज मच इम्पोर्टेंट बट इसको आप देख लीजिए एपीए और एमएलए में कैसे इसको मेंशन करते हैं जैसे कि आपने किसी ब्लॉग से कोई कंटेंट लिया है फिर यूट्यूब ट्विट फेसबुक पोस्ट है या फिर ईमेल से सो so उसका क्या किस प्रकार से आपको साइड uh, करना है लास्ट नेम फर्स्ट नेम दैन टाइटल ऑफ़ द ब्लॉग जो भी है पोस्ट एंट्री ब्लॉग टाइटल क्या है पब्लिशर्स डेट ऑफ पोस्ट कब उसको पोस्ट किया गया है एंड दी बेब डेट एक्सेस ओके बेब डेट से मतलब होता है कि इसको आपको अलग से डालना होता है क्योंकि ये वेब जिसकी ये तो बदला सकता है ना इसको हटा दिया जा सकता है तो आपको ये बताना होगा कि, कि किस डेट में ये आपने एक्सेस किया था क्योंकि बुक नहीं ना बुक में तो एक बार लिख गया तो वो रहेगा काफ़ी दिन तक बट ये बेबे से तो किसी समय भी उसको डिलीट किया जा सकता है तो आपको डेट एक्सेस मैंसन करना होता है कि आपने किस डेट को वहाँ से जो ब्लॉग है उसको वहाँ से साइड किया है जो भी लिया है तो उसको इसी प्रकार से सभी में आपको मैंसन करना होता है इसको एक बार पढ़ लीजिए बस दैट इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट बट यहाँ पर जो दिया है रेफरिंग द बे बेस्ट डॉक्यूमेंट इसको देख लेते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है सो इन दिसन ऑफ द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ऑन दी वेबसाइट वेबसाइट से अगर किसी प्रकार का आप डॉक्यूमेंट को साइट करते हैं तो उसका भी सिमिलर ही फंट होता है ओके बट थोड़ी सी इसमें कुछ बदलाव हो जाते हैं कि इसमें आपको एंड में रेफरेंस सेक्शन में ओके बेब की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है बेब मतलब होता है कि आपने जहाँ से डॉक्यूमेंट को जैसे कि किसी वेबसाइट है कोई वेबसाइट है ओके कुछ भी है तो वहाँ से आपने जो लिया है तो उसको आपको रेफरेंस सेक्शन में आपको एंड में मेंशन करना होता है जैसे कि यहाँ पर मेंशन है देख ही लीजिए उसके अलावा ऊपर वाला जो देख सकते हैं कोई एग्जाम्पल लिया गया है तो वो सेम ही है ओके यहाँ पर ऑथर का नाम है ईयर पब्लिकेशन जो भी टाइटल है ओके सब कुछ सेम है बट लास्ट में आपको बेब इन्फॉर्मेशन आपको एंड में शो करनी पड़ती है जो बेब इन्फॉर्मेशन है डेट ऑफ रिट्राइवल कब आपने एक्सेस किया है किस डेट सो दैट इज द आपको इसमें लास्ट में मैंसन करना होता है सो दिस इज़ अबाउट द दी द बेबेस्ट डॉक्यूमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है अपेंडिसिस अपेंडिसिस इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये ग्वीज बेसिकली अपेंडिसिस का मतलब होता है कि जो भी आपने जो रो डेटा है या जो कॉपी है टूल्स जो भी आपने यूज़ किए हैं फोटोग्राफ या किसी प्रकार का कोई हिस्टोरिकल सैनलिस है उसको आपको प्रेजेंट करना होता है जैसे मैंने बताया कि रिसर्च में तीन पार्ट होते हैं आपका स्टार्टिंग पार्ट बिगनिंग सेकेंड मैन बॉडी एंड थर्ड दैट इज दार्टो एंड पार्ट सो एंड जो पोर्सन होता है उसमें आपको अपेंडिसिस uh, शो करते हैं अपेंडिसिस मतलब इसको आप किसी भी ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं जैसे कि अपेंडिक्स फर्स्ट अपेंडिक्स सेकंड ओके किसी प्रकार से मेंशन कर सकते हैं इसमें आपको मेंशन करना होता है जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ्स हैं उनको आपको मेंशन करना है या फिर कोई क्वेश्चन आर्स है उसकी कॉपी है उसको आपको इसमें अटैच करना है या कोई लोकल टर्मिनोलॉजी है उन सबको इसको आपको यहाँ पर मैंसन करना होता है ये सभी के सभी या कोई स्टडी है ओके okay, या इम्पोर्टेंट एनालिसिस टूल्स हैं हिस्टारिकल्स एनालिसिस या कैलकुलेशन है कैलकुलेस को आप कहाँ प्रेजेंट करेंगे आप इसी में डालेंगे अपेंडिसिस में ओके okay, तो इसको बोलते हैं अपेंडिसिस जो कि आप लास्ट एंड एंड पोर्सन जो होता है उसमें यूज करते हैं सो so, बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आप बिगनिंग में और मेन पोर्सन में ऐड कर देते हैं और जो बचा हुआ डेटा होता है वो आप अपेंडिसिस में ऐड करते हैं सो so, इसको अपेंडिसिस बोलते हैं ओके okay, नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग सो so, पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है इसका सिंपल भाषा में बोलें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी किसी फ्रेंड ने आपको कोई स्टोरी सुनाई ओके अब वो स्टोरी आप और किसी फ्रेंड को सुनाते हैं ए फ्रेंड ने आपको कोई स्टोरी सुनाई अब वही स्टोरी आप किसी बी फ्रेंड को सुनाते हैं अपनी भाषा में अपने वर्ड्स में तो उसको बोलेंगे पैराफ्रेजिंग करना ओके पुट द टेक्स्ट इन योर वर्ड्स अपने अपने शब्दों में उसको बया करना ओके बट आपको जो जो कंटेंट है वो कॉपी नहीं करना है सेम टू सेम नहीं बोलना है अपनी भाषा में थोड़ा सा बदलाव करना है जैसे कि यहाँ पे लिखा है पी ए आर ए का मतलब पी मैंने पुट द टेक्स्ट इन नो वर्ड्स ए मीन्स अवॉइड कॉपिंग द टेक्स्ट एंड आर मीन्स रीअरेंज द सिमिलर टेक्स्ट ओके एंड ए मीन्स आस्क योर सेल्फ दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जो पॉइंट्स थे जो स्टोरी में जो पॉइंट्स थे सभी के सभी उसको आपको आपने उसमें एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया इंक्लूड किया है नहीं किया है इसका मतलब ये है कि आप अगर जब अपनी भाषा में लिखेंगे अपने वर्ड्स यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी की जो कहानी है उसको ही बदल देंगे सो दैट शुड बी नॉट यू शुड इंक्लूडेड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके सो नाउ यू कैन सी इन दिस लेट मी रेज दिस यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपकी जो स्टोरी है इसको दोबारा उसको पैराफ्लेस किया गया है अपने वर्ड्स में जैसे कि बाय मैनी गोवेंट्स हैव टेक स्टाफ टू इम्प्लीमेंट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स ओके बहुत सारी सरकारों के द्वारा जो uh, प्राइवेट प्रोग्राम थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया है प्रोग्रेस है जो प्रोग्रेस है वो स्लोअर है पहले से यहाँ पर उसी को पैराफ्रेज किया गया है उनके अपनी भाषा में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू दी बायलिस टू साउंड थ्री इनके अनुसार ऑल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स हैज़ बीन प्रोग्रामाइज फॉर मैनी गवर्नमेंट सभी सरकारों के लिए ये जो है प्राइवेटेशन जो प्रोग्राम्स थे उनके लिए बोल सकते हैं कि सबके द्वारा इंप्लीमेंट किए गए हैं तो प्रोग्रेस इन द एरिया हैज़ नॉट बीन रैपिड एज एक्सपेक्टेड बट जो प्रोग्रेस है वो उतनी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी तो ये क्या है कॉन्टेंट से बस उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में बदल के यहाँ पर प्रेजेंट किया गया इसको बोलते हैं पैरा फ्रेजिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट सो नेक्स्ट दैट इज बेसिकली यहाँ पर ये यह जो है आज का आज का जो क्लास यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक हिस्टोरिकल कंसेप्ट के बारे में एंड दी जो बुक का नाम मैंने पूछा था प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च सोशल वर्क परफेक्टिव दैट इज रिटन बाय दे डी के लाल दास दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक इसको आप याद कर लेना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके सो थैंक यू गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे डिस्कशन